नमस्कार एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूँ। फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। तो उसके लिए बताया था कि कोई भी फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब वो दो कंडीशन को मानेगा, ईच और यूनिक को। कोई भी फंक्शन अगर दो कंडीशन को मानता है, ईच और यूनिक को, तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा। उसके बाद डोमेन के बारे में बताए थे कि डोमेन क्या होता है, कि फंक्शन जिस पे प्रोसेस करता है वो डोमेन होगा, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो आपका रेंज होगा। अब यहां पर देख सकते हैं मेरे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। यहां पर एफ एक प्रोसेसर है, F एक ऑपरेटर है, F एक ट्रांसफॉर्मर है, F एक फंक्शन है जो A के एलिमेंट को B के एलिमेंट में चेंज कर रहा। यहां पे आप देखें F A के हर एक एलिमेंट, F A के हर एक एलिमेंट का यूनिक आउटपुट दे रहा। यहां पे A A का आउटपुट कितना मिला, 60। यहां पे B F अगर B पे प्रोसेस किया तो वेट कितना मिला, 50। F अगर C पे प्रोसेस किया, C पे प्रोसेस किया तो वेट कितना मिला, 70। एफ अगर डी पे प्रोसेस किया, डी पे, तो वेट कितना मिला, 80। तो यहां पे एफ ए पे प्रोसेस किया 60, एफ बी पे प्रोसेस किया 50, एफ सी पे प्रोसेस किया 70, और एफ डी पे प्रोसेस किया 80। एफ जिस पे प्रोसेस करता है वह डोमेन, तो यहां पे आपका डोमेन क्या हो गया, ए बी सी और डी, जो कि आपका ए के बराबर है, ये ए यहां पर ए। और आपका रेंज यहां पे क्या हो गया, रेंज रेंज आपका हुआ 60, फिर 50, 70 और 80, ये आपका हो गया रेंज। और बी के बारे में बताए थे, बी आपका क्या है, कोडोमेन। बी आपका क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। आप यहां पे गौर करें, एफ ए पे प्रोसेस किया 60, एफ बी पे प्रोसेस किया 50, एफ सी पे प्रोसेस किया 70 और एफ डी पे प्रोसेस किया 80। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो 60 है, ध्यान दे, इस 60 को हम कहेंगे कि 60 जो है वो एफ इमेज है। ये 60 जो है ये एफ इमेज है, किसका, ए का। ये जो 50 है ये एफ इमेज है, किसका, बी का। और ये जो 70 है ये 70 एफ इमेज है, किसका, सी का। तो ध्यान दे, 60 को हम क्या लिख सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू एफ इमेज ऑफ ए। मतलब कि रेंज को हम इमेज भी कहते हैं। रेंज जो होगा वो इमेज होगा डोमेन का, रेंज जो होगा वो इमेज होगा डोमेन का। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का इमेज क्या होगा। तो जो इमेज हम निकालते हैं वो इमेज क्या है, रेंज है, किसका, वो जो पॉइंट है वो अगर डोमेन है। तो अगर हम अपना इमेज देखते हैं मिरर में, तो हम क्या हो गए, डोमेन हो गए। मेरा जो इमेज हो गया वो क्या हो गया, रेंज हो गया, और वो जो मिरर हो गया वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो फंक्शन जो है वो आपका करता क्या है, वो पॉइंट को इमेज में भी कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट को इमेज में भी कन्वर्ट करता है, फंक्शन का यही काम है। अब तो यहां पे 60 क्या हो गया, एफ इमेज ऑफ ए। सिमिलरली 50 क्या हो गया, एफ इमेज ऑफ बी। 70 क्या हो गया, एफ इमेज ऑफ सी। और 80 क्या हो गया, एफ इमेज ऑफ डी। तो ये इमेज वर्ड किसके लिए यूज होता है, रेंज के लिए। डोमेन के लिए यूज होता है प्री इमेज, ध्यान दे, डोमेन के लिए यूज होता है प्री इमेज। जैसे इस ए को हम कहेंगे कि ये ए जो है ये प्री इमेज है 60 का, ये बी जो है ये 50 का प्री इमेज है। तो यहां पे अगर डोमेन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो ए इज इक्वल टू प्री इमेज, ध्यान दे, प्री इमेज ऑफ व्हाट, ए, प्री इमेज ऑफ ए। तो ये दो टर्म आप याद रखें, इमेज रेंज के लिए यूज किया जाता है और प्री इमेज डोमेन के लिए यूज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कोडोमेन क्या है, या समझे कोडोमेन क्या होता है। मानिए मेरे पास एक वेट मेजर करने का मशीन है, थोड़ा सा समझिएगा, एक वेट मेजर करने का मशीन है,
उस वेट मेजर करने का, वो जो वेट मेजर करने का जो मशीन है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा, कोई भी जा रहा सबका वेट वो दे रहा, सबका यूनिक वेट दे रहा। हम चले, मेरा वेट 60, फिर 5 मिनट के बाद चले 60, फिर 10 मिनट के बाद चले 60, पांडे जी चले उसका भी वेट मिल गया, हर्ष चला उसका वेट मिला, मंडल जी चले सबका वेट मिल गया, जो लोग गया सबका वेट मिला, सबका यूनिक वेट मिला। मतलब वो मशीन सही तरीके से काम कर रहा, वो वेट मेजर करने का मशीन प्रॉपर वे में काम कर रहा है, वो वेल डिफाइंड है। अब जरा सोचिए, अगर हम उस वेट मेजर करने वाले मशीन पे एक चींटी को रख दें तो क्या वो उस चींटी का वेट देगा? नहीं देगा। अगर उस वेट मेजर करने वाले मशीन पे एक हाथी को खड़ा कर दे तो क्या वो उसका वेट देगा? उसका भी वेट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जब वो मेरा वेट दे रहा है, जब वो पांडे जी का वेट दे रहा है, जब वो हर्ष का वेट दे रहा है, जब वो मंडल जी का वेट दे रहा है, तो उस चींटी का वेट क्यों नहीं दे रहा, वो एक हाथी का वेट क्यों नहीं दे रहा? कुछ तो रीजन होगा। अगर मेरे पास एक बाइक है 180cc का बाइक, एक बाइक है 100cc का बाइक और एक स्कूटी है, या ध्यान दे हम यहां पे तीन तरह का व्हीकल लिए, एक 180cc का बाइक, एक 100cc का बाइक और एक स्कूटी। 180cc का बाइक का जो स्पीड लिमिट है वो मान लेते हैं जीरो से है 150। 100cc का जो बाइक है उसका स्पीड लिमिट है 0 से 100, और स्कूटी का स्पीड लिमिट है अगर 0 से 70। तो अगर आपको 100 के रफ्तार में जाना है तो क्या आप स्कूटी से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि स्कूटी का वो लिमिट ही नहीं है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या है 70, तो वो 70 को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या आपको अगर 110 के स्पीड से जाना है तो क्या आप 100cc के बाइक से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि 100cc का बाइक का जो स्पीड लिमिट है वो 0 से 100 है, तो इसलिए आपको ऑटोमेटिकली 180cc का बाइक लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, जो तीन व्हीकल है कि स्कूटी को पकड़े या और दो बाइक को पकड़े, तो इन दोनों का जो स्पीड लिमिट है वो अलग अलग है। तो ठीक वैसे ही जितना भी मशीन है जब उसको प्रिपेयर किया जाता है तो वो एक सर्टेन वैल्यू के लिए डिफाइंड किया जाता है। अगर वो वेट मेजर करने वाला मशीन, वो वेट मेजर करने वाला मशीन को अगर डिफाइन किया गया 5 और 100 kg के बीच, 5 और 100 kg के बीच, तो जो भी इंसान 5 और 100 kg के बीच का होगा, जो भी इंसान 5 और 100 kg के बीच का होगा, केवल वो उसी का वेट देगा। इसलिए वो चींटी का वेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी चींटी का वेट 5 kg नहीं हो सकता, और ना वो हाथी का वेट दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी हाथी का वेट 100 kg से कम नहीं हो सकता। तो 5 और 100 kg के बीच जो भी इंसान होगा केवल उसी का वेट देगा। अगर कोई एक ऐसा इंसान भी हो जिसका वेट 100 kg से ज्यादा हो तो उसका वेट भी नहीं देगा। तो ये जो डिफाइंड वैल्यू होता हर मशीन का, जैसे 180cc का बाइक का स्पीड लिमिट क्या था 0 से 150, 100cc का बाइक का स्पीड लिमिट क्या था 0 से 100, स्कूटी का स्पीड लिमिट क्या था 0 से 70, इस वेट मेजर करने वाले मशीन का लिमिट क्या था 5 से 100। तो ये 5 से 100 जो है दैट इज कोडोमेन। ये 180cc का बाइक का जो 0 से 150 था दैट इज कोडोमेन। मतलब जो लिमिट होगा किसी भी मशीन का वही आपका कोडोमेन कहलाता है। तो ठीक वैसे ही फंक्शन का जो लिमिट है, कि वो इसी के बीच में लाई करेगा, उसका जो बाउंड्री है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो ए और बी के बीच जितना वैल्यू आता है, मानिए 1 और 100 के बीच लाई करेगा, तो 1 और 100 के बीच जितना वैल्यू आता है वो सब आपका कोडोमेन होगा। और उसी कोडोमेन में से जो आपको मिलेगा, जो आप गेन कीजिएगा, वो आपका कहलाएगा रेंज। जैसे मेरे पास अगर 100cc का 180cc का बाइक है तो उसका स्पीड लिमिट 0 से 150 है, तो 0 से 150 है, तो क्या हम जरूरी है कि 150 तक जाएंगे? नहीं, हम हो सकता है 60 तक जाए मैक्सिमम, या हो सकता है मैक्सिमम 80 तक जाए। तो हम कहां तक, किस स्पीड तक अचीव किए? 80। तो ये 80 तक जो हम अचीव किए दैट इज रेंज। तो ये 80 जो मिला है वो 150 के बीच में ही मेरा, 0 और 150 के बीच से ही मेरा। तो इसलिए रेंज हमेशा आपका क्या होता है, सबसेट। आप अगर किसी वेट मेजर करने वाले मशीन पे चढ़ते हैं, अगर आपका वेट 5 और 100 kg के बीच है तो आपका वेट मिलेगा, तो जो आपका वेट मिला वो 5 और 100 के बीच में ही मिला ना, तो जो आपका वेट दिया मशीन दैट इज द रेंज। मतलब रेंज आपका हमेशा क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा भी गया है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा ट्रू, रीजन, क्योंकि जो भी आपका आउटकम आएगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो भी आपका रेंज आएगा, वो कोडोमेन में से ही आएगा, तो कोडोमेन में से ही आएगा, इससे रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। ये पॉइंट आप याद रखें, यहां पे ए आपका डोमेन होता है, बी आपका कोडोमेन होता है, और इसी कोडोमेन में आपका रेंज छिपा हुआ रहता है। इसी कोडोमेन में आपका रेंज क्या होता है, छिपा हुआ। और यहां पे आप एफ इमेज समझ गए, प्री इमेज समझ में आ गया। अब फंक्शन और मैपिंग दोनों एक ही चीज है। अब यहां पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग मेनली दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मैपिंग। मैपिंग जो है वो आपका मेनली दो तरह का होता है। एक होता है 1-1 मैपिंग, एक आपका 1-1 मैपिंग और दूसरा आपका मेनी वन मैपिंग। ध्यान दे, 1-1 मैपिंग और मेनी वन मैपिंग। फिर 1-1 मैपिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 1-1 ऑन टू और एक होता है 1-1 इन टू। ठीक वैसे ही मेनी वन मैपिंग जो है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हो गया मेनी वन ऑन टू और दूसरा हुआ मेनी वन इन टू। ध्यान दे, मैपिंग दो तरह का, एक कहलाता है 1-1 मैपिंग और दूसरा कहलाता है मेनी वन मैपिंग। 1-1 मैपिंग को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक 1-1 ऑन टू 1-1 इन टू। मेनी वन मैपिंग को दो पार्ट में डिवाइड किए, मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 1-1 मैपिंग क्या है और मेनी वन मैपिंग क्या है। अब जरा सोचे, सिंपल हम इसको हटा रहे हैं कि अच्छे से हम समझा पाए। 1-1 मैपिंग क्या है और मेनी वन मैपिंग क्या है। मानिए मेरे पास चार लोग ए बी सी और डी, ये चारों लोग वेट मेजर कराने के लिए जाते हैं वेट मेजर करने वाले मशीन के पास। उसका लिमिट है 5 है, 10 है, या 50, 60, 70, 80, 90, 100 और एक और जोड़ देते हैं 75। ये एफ। अब ए का वेट 60 केजी, बी का वेट 50 केजी, सी का वेट 60 केजी, डी का वेट 60 केजी। आप जरा सोचे, ये ए और ये बी, एफ जो है वो ए को बी किसमें कन्वर्ट करा, बी में। आप यहां पे सबसे पहले ये देखें क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड होने के लिए हम आपको क्या बताएं, दो चीज देखना है, ईच और यूनिक को। आप देख सकते हैं ये हर एक इनपुट का आउटपुट दे रहा, और क्या ये यूनिक दे रहा, तो यस। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर यूनिक आउटपुट कहां दे रहा, ए सी और डी का एक आउटपुट। तो ए सी और डी का एक आउटपुट तो आ ही सकता है। क्या आप सोचे खुद, दो लोगों का वेट सेम हो सकता है कि नहीं, दो क्या तीन लोग का भी वेट सेम हो सकता, 10 लोग का भी वेट सेम हो सकता। अब मानिए पांडे जी, हर्ष और मंडल जी, ये तीनों लोग गए वेट मेजर कराने के लिए, पांडे और हर्ष का वेट सेम है, पांडे और हर्ष का वेट सेम है, तो वो दोनों वेट मेजर करने वाले मशीन पे चढ़ेगा और वेट मेजर करने वाला मशीन सही है तो उन दोनों का वेट वो सेम ही देगा ना। तो दो लोग का वेट सेम हो सकता है, तीन लोग का वेट सेम हो सकता है, चार लोग का वेट सेम हो सकता है, लेकिन एक इंसान का दो अलग अलग वेट नहीं आ सकता। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक दो और तीन, इन तीनों का वेट सेम है, तो जब तीनों का वेट सेम है तो सेम वेट दिया। लेकिन क्या यहां पे ऐसा है कि एक इंसान का दो अलग अलग आउटपुट है, नहीं, एक इंसान का एक ही आउटपुट है 60, बी का एक ही आउटपुट है 50, सी का एक ही आउटपुट है 60 और डी का एक ही आउटपुट है 60। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। क्यों डिफाइंड हुआ, क्योंकि ईच भी है और यूनिक। लेकिन ये जो मैपिंग होगा ये मेनी वन मैपिंग होगा। मेनी वन मैपिंग हम उस तरह के मैपिंग को कहते हैं, मेनी वन मैपिंग हम उस तरह के मैपिंग को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक आउटपुट का, दो या दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट मिले। अगर दो या दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट मिलता है तो वो फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये मेनी वन हो गया तो 1-1 क्या हो गया। 1-1 ये ए ये बी, यहां पे ए बी सी, ये आपका 30, 40, 50, 60, 70, ये एफ हो गया,
ए से बी, ये ए 40 मिला, बी 60 मिला और सी 50 मिला। आप गौर करें यहां पे तीन इनपुट, तीनों इनपुट का अलग अलग आउटपुट आया, तीनों इनपुट का अलग अलग आउटपुट, कोई भी दो इनपुट का आउटपुट सेम नहीं है। तो जब अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट आए तो उस तरह के मैपिंग को हम 1-1 कहते हैं। जब अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट आए तो उस तरह के मैपिंग को हम क्या कहेंगे, 1-1। और जब दो या दो से अधिक डोमेन का सेम रेंज मिलेगा तो वो मिनी वन कहलाएगा। तो ये आपका मिनी वन हुआ, ये आपका 1-1 हुआ। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब ईच इनपुट है वह यूनिक आउटपुट। फिर फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन कौन, 1-1 और मिनी वन। 1-1 क्या होता है, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट, इनपुट चेंज आउटपुट भी चेंज। मिनी वन क्या होता है, दो या दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिनी वन मैपिंग। अब सवाल ये उठता है कि 1-1 तो ठीक है सर समझ गए, मिनी वन क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ऑन टू और इनटू क्या होता है। ध्यान दे, अगर इसमें आपसे कोई पूछे, इस वाले में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यार इसमें रेंज क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, इसमें रेंज है, रेंज 50 है और 60 है। और अगर आपसे आप कोई पूछे कि इसमें बताओ कोडोमेन क्या, कोडोमेन हम आपको बता चुके हैं, ए क्या होता है डोमेन, बी क्या होता है कोडोमेन, तो कोडोमेन में ये सारा एलिमेंट आ गया। तो कोडोमेन के केस में आप क्या बोलेंगे, 50 है, 60 है, 70, 75, 80, 90 और 100, ये बोलिएगा। अब आप खुद देखें, यहां पे रेंज में है 50 और 60, कोडोमेन में है 50, 60, 70, 75, 80 और 90 और 100। क्या यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं, यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा, ध्यान दे, जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा तो वो मैपिंग कहलाएगा इनटू मैपिंग। वो मैपिंग क्या कहलाएगा, इनटू मैपिंग के लिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। याद रखेंगे, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो वो कैसा मैपिंग कहलाएगा, इनटू मैपिंग। आप खुद देखें, यहां पे रेंज है 50 और 60, यहां पे कोडोमेन है 50, 60, 70, 75, 80, 90 और 100। तो यहां पे क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये इनटू मैपिंग, और साथ में कैसा है, मिनी वन। तो ये मैपिंग का नाम क्या बनेगा, मिनी वन इनटू। यहां पे गौर करें, यहां पे रेंज क्या है, 40 है, 50 है, 60 है, कोडोमेन क्या है, 30, 40, 50, 60 और 70। क्या यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं है। लेकिन ये मैपिंग 1-1 भी है, तो इस मैपिंग का नाम क्या होगा, 1-1 इनटू। इस मैपिंग का नाम क्या होगा, 1-1 इनटू, और इस मैपिंग का नाम क्या होगा, मिनी वन इनटू। अगर यहां पे खाली 50 और 60 होता बी में, आप देख सकते हैं यहां पे खाली क्या है, 50 और 60। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस बी का या इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका कोडोमेन जो है वो 50 और 60 है। रेंज क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 और 60। अब बताए यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर है? यस, बराबर है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो ये मैपिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू मैपिंग। मतलब ऑन टू मैपिंग के केस में, ऑन टू मैपिंग के केस में रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होगा, बराबर। याद रखें, रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे अगर मानिए आपके पास एक और एग्जांपल है, ये ए बी सी और डी, यहां पे आपके पास है 80, 60, 70 और 80। ये एफ, ये ए का वेट 60, बी का वेट 80, सी का वेट 90, सी का वेट 90, डी का वेट 70। आप यहां पे खुद देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, तो यस ये फंक्शन डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि हर एक इनपुट का आउटपुट मेरा कैसा आउटपुट मेरा, यूनिक। तो ये फंक्शन तो डिफाइंड हो गया। अब आप यहां पे गौर करें, यहां पे आपका रेंज क्या है, रेंज 80 आपका आउटपुट मिला, 60 आपका आउटपुट मिला, 70 आपका आउटपुट मिल रहा, और यहां पे 90 भी आपका आउटपुट मिला। तो ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन यहां पे क्या है, 80,
60, 70 और 90, ये भी आपका कोडोमेन हो गया। तो यहां पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, ये मतलब ये कैसा मैपिंग हो गया, ऑन टू मैपिंग, और साथ में ये क्या है, 1-1, मतलब इस मैपिंग का नाम आपका क्या हो गया, 1-1 ऑन टू। ये मैपिंग का नाम क्या हो गया, 1-1 ऑन टू। तो मैपिंग कितने तरह का होता है, दो तरह का मेनली, कौन कौन, एक 1-1 और एक मिनी 1। 1-1 के लिए क्या होगा, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट, मिनी 1 के लिए क्या होगा, दो या दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट, तो ये हो गया मिनी 1। अब सवाल उठता ऑन टू और इन टू, ऑन टू रेंज और कोडोमेन बराबर, ऑन टू रेंज और कोडोमेन बराबर, इन टू रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये था आपका मैपिंग का डिवीजन। अब हम आप लोगों को बताएंगे इसका नोमेनक्लेचर, कि इसका अलग अलग, मतलब इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उसका नाम क्या होगा, ये चीज हम डिस्कस करने जा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ मैपिंग, हम यहां पे मैपिंग का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया कि मैपिंग को अलग अलग हम किस नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे मैपिंग का डिवीजन की आप देख सकते हैं, मैपिंग दो टाइप, 1-1 मैपिंग, मिनी 1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग दो टाइप, 1-1 ऑन टू, 1-1 इन टू, और मिनी 1 मैपिंग दो टाइप, मिनी 1 ऑन टू और मिनी 1 इन टू। अब आपको दो चीज याद रखना है केवल, 1-1 मैपिंग का जो नाम है वो इंजेक्टिव है, याद रखेंगे 1-1 मैपिंग का नाम क्या होता है, इंजेक्टिव मैपिंग। 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, और ऑन टू मैपिंग को हम सब्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ऑन टू मैपिंग को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। अब कैसे हम इसको लिखेंगे, सबको ध्यान दें, मैपिंग दो ही तरह का होता है, 1-1 या मिनी 1, मैपिंग दो ही तरह का होता है, 1-1 या मिनी 1, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैपिंग दो तरह का, 1-1 या नॉट 1-1, और नॉट 1-1 ही आपका क्या है, मिनी 1। मैपिंग दो ही तरह का होता है, या तो 1-1 है या तो मिनी 1 है। तो अगर 1-1 नहीं है तो क्या, नॉट 1-1, नॉट 1-1 का मतलब क्या हो गया, मिनी 1। तो ठीक वैसे ही मैपिंग दो तरह का, 1-1 और मिनी 1, तो 1-1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, तो 1-1 को हम इंजेक्टिव कहेंगे, इंजेक्टिव। तो मैपिंग दो तरह का या तो इंजेक्टिव होगा या तो नॉट इंजेक्टिव होगा, या तो इंजेक्टिव होगा या तो नॉट इंजेक्टिव। तो मिनी 1 का दूसरा नाम है नॉट इंजेक्टिव, याद रखेंगे 1-1 को हम इंजेक्टिव कहेंगे, मिनी 1 को हम क्या कहेंगे, नॉट इंजेक्टिव। ठीक वैसे ही ऑन टू सब्जेक्टिव, तो इनटू नॉट सब्जेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव तो इनटू नॉट सब्जेक्टिव। अब इसका नाम लिखना है, तो ये 1-1 भी और इनटू भी है, ये 1-1 भी और इनटू भी है, तो 1-1 होने की वजह से ये क्या हो गया, इंजेक्टिव, इनटू होने की वजह से क्या हो गया, सब्जेक्टिव। तो इसको हम कहेंगे इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ध्यान दे, 1-1 होने की वजह से इंजेक्टिव, और इनटू, इनटू, इनटू होने की वजह से, इनटू होने की वजह से ये क्या आएगा, नॉट सब्जेक्टिव, सॉरी, इनटू होने की वजह से क्या आएगा, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक, ये क्या है, 1-1 ऑन टू, 1-1 इंजेक्टिव, ऑन टू है तो इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ये मिनी 1 ऑन टू है तो मिनी 1 मतलब क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव, तो ये नॉट इंजेक्टिव, लेकिन ऑन टू है, ऑन टू क्या होता, सब्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव, बट सब्जेक्टिव। ये मिनी 1 है, मिनी 1 मतलब क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव, इनटू है मतलब नॉट सब्जेक्टिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, मतलब ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही ये सब्जेक्टिव। जरा इसको देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम गलत उस समय डिस्कस कर दिए थे, 1-1 है मतलब इंजेक्टिव, इनटू है ऑन टू सब्जेक्टिव, तो इनटू क्या होगा, नॉट सब्जेक्टिव, तो इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। ध्यान दे, इसमें आपको याद क्या रखना है कि 1-1 अगर इंजेक्टिव है तो मिनी 1 क्या होगा, नॉट इंजेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव तो इनटू क्या होगा, नॉट सब्जेक्टिव। बस दो नाम याद रखना, 1-1 इंजेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव, 1-1 इंजेक्टिव तो मिनी 1 नॉट इंजेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव तो इनटू नॉट सब्जेक्टिव। यहां पे 1-1 इनटू है इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव क्योंकि इनटू है यहां पे, या 1-1 ऑन टू है इंजेक्टिव, ऑन टू है तो सब्जेक्टिव,
इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। यहां पे मिनी वन ऑन टू है तो मिनी वन की वजह से क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव लेकिन सर्जेक्टिव तो है, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। मिनी वन इन टू ये नॉट इंजेक्टिव और ना ही सर्जेक्टिव है, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। अब एक लास्ट चीज इसमें क्या है, एक होता है बाइजेक्टिव मैपिंग, एक होता है आपका बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग हम कहते हैं कि जो मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग हम उसको कहते हैं कि जो मैपिंग इंजेक्टिव भी हो प्लस सर्जेक्टिव भी हो। जो मैपिंग इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है उसका कंबाइन नाम होता है बाइजेक्टिव। तो आप खुद देखें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कौन सा मैपिंग है, वन वन ऑन टू, मतलब वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव कहते हैं, वन वन ऑन टू को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइजेक्टिव मैपिंग, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये था आपका मैपिंग का डेफिनेशन जो कि हम आप लोगों को समझाएं अपने तरीके से। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और इसको थोड़ा सोचें अच्छे से कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद से हम ग्राफ वगैरह पे आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।